राधे राधे दोस्तों दोस्तों, नया वर्ष हमारे हिंदी महीने से चालू हो गया है। नया वर्ष नवरात्र से चालू होता है। नवरात्र ख़त्म होते ही हमारा एक त्यौहार आता है, आशा माई की ड्यूज। ये त्यौहार बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की ड्यूज को मनाया जाता है। इस पर्व को गृह स्वामिनी द्वारा घर की समृद्धि और पुत्रों की आयु की संपन्नता की कामना करने के लिए मनाया जाता है। जो पुत्रवती स्त्रियाँ होती हैं वो भी रखती हैं, जिनके पुत्र नहीं होता है वो भी रखती हैं। तो आज हम इसकी विधि और लोक कथा बताएंगे। इसके पहले आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, यदि आपने मेरा YouTube चैनल माँ अम्बे रसोई सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसको पुश कीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आज हम आपको बताते हैं विधि। आशा माई की दूज में सबसे पहले तो आप चना एक दिन पहले फुलो लें। लाल चने आते हैं उनको फुलो के रख लीजिए, और जहाँ पूजा करनी है उसको अच्छे से साफ़ सफाई कीजिए, और चावल और हल्दी का आइपन बनाइए, उसकी चौक बनाइए, और मटकी को भी उसी आइपन से रंगिए। और मटकी में पुए रखे जाते हैं। चौक बनाकर आप 5 मिट्टी की ढेरी रखिए जिसमें सिंदूर डालें, जिससे हम सुहाग ले सकें। और ये पुए पुत्र या विवाह व पुत्र जन्म के अवसर पर 5 किलो सवा पसेरी आटे के भी बनाकर भरे जाते हैं, और सभी अपने बहन बेटियों के यहाँ बांटे भी जाते हैं। वैसे तो 1 किलो सवा सेर आटे के पुए ही बनाकर भरते हैं। मिट्टी की गौर रखें और तथा आटा की भी आशा माँ की मूर्ति बनाएं। उनकी आँखों के स्थान पर कौड़ी लगाएं और लाल वस्त्र उनको पहना लें और विधि विधान के साथ पूजा करें। सबसे पहले घर में 10 हाथे लगाए जाते हैं दीवार पर, आइपन से ही हाथे लगाए जाते हैं। फिर गौर से सुहाग लिया जाता है और मटकी में भी पुए भर के उसको बंद करके रखे जाते हैं। फिर हम पीपल की तरफ जाते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा होती है और कच्चे सूत से धागा लपेटते हुए वृक्ष की 10 बार प्रदक्षिणा करें। 10 बार उसको धागे को लपेटना रहता है। पानी के भीगे हुए चने के भी 10 बार लेकर और पीपल में चढ़ाते हुए परिक्रमा करें। अंत में गौर से सुहाग लेने का विशेष महत्व है। वहाँ पर भी पेड़ के पास भी गौर रखी जाती है, उससे भी सुहाग लेना होता है। और जो हम आशा माई बना के लाते हैं वो भी वहीं पर रख के उनकी पूजा करते हैं। जब लौटें तो जो आँख में हम कौड़ी लगाते हैं उसी जो देवी जी लाल वस्त्र पहने होते हैं उनको निकाल कर उसी में बांध कर घर को ले आएँ और आशा माई को वहीं पर छोड़ कर आ जाएं। आटे की 10 आसे करीब वहां पर भी चढ़ाई जाती हैं, पीपल में चढ़ाई जाती हैं। वो पुए बनते हैं, पुए में हाथ से थोड़ी सी आगे चोंच जैसे जैसे पक्षी की चोंच होती है ऐसे बनाकर निकाल ली जाती है, उसी को हम आसे भी कहते हैं, वही पुए कहलाते हैं। एक बार ही भोजन करें, इसमें 10 पुए का ही भोजन किया जाता है पूरे दिन। यदि आपको ज़्यादा भूख लगती हो तो थोड़े बड़े पुए बना लें, कम खाते हो तो छोटे छोटे पुए बना लें अपने लिए, वही पुए अपने कोच में लें, वही 10 पुए पूरे दिन में खाने होते हैं। आप पुए को दही के साथ खा सकते हैं, दही शक्कर के साथ, मलाई के साथ खा सकते हैं, पर नमक नहीं खाया जाता है। ये था आशा माई दूज की विधि। अब हम आपको कथा सुनाते हैं। एक राजा थे, उनके 2 पुत्र थे। वे दोनों स्वभाव से अत्यधिक उदंड थे, जिनकी प्रायः शिकायतें आया करती थी। राज्य की प्रजा के साथ राजा भी उनकी उदंडता से बहुत दुखी थे। एक दिन मजबूर होकर राजा ने राजाज्ञा द्वारा उन दोनों को राज्य की सीमाओं से निष्कासित कर दिया। इस प्रत्याशित निर्णय से दुखी होकर दोनों पुत्र राज्य की सीमाओं से बाहर इसे जंगल में चले गए। कई दिन भोजन आदि न मिलने के कारण वे दोनों बहुत निर्बल व दीन हो गए। एक पीपल के पेड़ के नीचे एक वृद्ध स्त्री बहुत ही दीन व दयनीय स्थिति में बैठी थी, जिसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थीं।
लोग वहां आकर पीपल की पूजा आदि करने आकर कुछ चढ़ाते थे, परंतु उस बूढ़ी स्त्री की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था। बूढ़ी स्त्री को दयनीय स्थिति को देखकर राजकुमारों ने उसे ठीक से स्नान आदि करवाकर साफ सुथरा किया। अब पीपल व बड़ी सामग्री को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर अपनी भूख शांत की। इस प्रकार उस बूढ़ी स्त्री की सेवा करने लगे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर वह स्त्री जो वास्तव में आशा माई थी उन राजकुमारों को एक कौड़ी प्रदान करते हुए आशीर्वाद दिया कि इस कौड़ी के द्वारा तुम लोग संपन्न और समृद्ध एवं बलवान बनोगे। राजकुमारों ने आशा माई द्वारा प्राप्त कौड़ी की सहायता से निकट ग्राम के एक घसियारे का सब कुछ जीत लिया। इस प्रकार अनेकों लोगों की संपत्ति बेचकर वे समृद्ध होने लगे। उनके जुए में जीत की चर्चा समीपवर्ती राज्य के राजा से सुनकर उन राजकुमारों से जुआ खेलने की इच्छा प्रकट की। राजकुमारों ने राजा की सब कुछ जुए में जीत लिया। अंत में राजा की एकमात्र कन्या थी। राजा के आग्रह व विनय से बड़े राजकुमार ने उनकी कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पत्नी ने आग्रह किया कि हम अपने सास ससुर के दर्शन कराओ जिनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तब राजकुमारों ने पूरा वृतांत उसे बताया। राजकुमार की पत्नी ने उत्साहित किया जिसे वे अपने पिता के राज्य में जाने को तैयार हो गए। लड़की के पिता ने दहेज के रूप में अपनी लड़की को हाथी घोड़ा नौकर तथा धन धान्य प्रदान किया। राजकुमार ने अपनी पत्नी के रास्ते में आशा माँ से आशीर्वाद प्रदान करने का निश्चय किया। उसने अपनी पत्नी को आशा माई की स्थिति का वर्णन करते हुए बताया कि वह बूढ़ी स्त्री के रूप में अत्यधिक दीनहीन व गंदी अवस्था होगी। वास्तव में वे दरिद्र नारायण का ही रूप है, अतः बिना संकोच तुम उनको स्वच्छ करके उनका पूजन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करना। राजकुमारों के आदेश अनुसार उसने आशा माई को स्नान आदि करा के अपने आचर से स्वच्छ किया और उनकी वंदना व पूजा की। आशा माई प्रसन्न होकर उसको सदा सौभाग्यवती का तथा पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। दोनों राजकुमार राजा की कन्या घोड़े हाथी तथा अन्य साज सामान के साथ अपने पिता के राज्य की तरफ चल दिए। पुत्र वियोग व राजा अत्यधिक दुखी रहा करते थे। उनका चित्त राजकाज से विरक्त होता जा रहा था। उनके राजवासियों ने सूचना दी कि कोई दुश्मन अपनी सेना के साथ राज में आकर्षण करने आ रहा है, जिसे वे सोचने लगे, मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं, फिर आक्रमण क्यों हो रहा है। दुखी मन से वे अपनी सेना के साथ राज सीमा की ओर राज रक्षा हेतु चल दिए। वहां पर जब उसने अपने पुत्रों तथा पुत्र वधु को देखा तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसे सम्मान महल में लाकर बड़े राजकुमार को राज्याभिषेक कर उसे राज घोषित किया तथा स्वयं वन में जाकर ईश्वर प्राप्ति की मार्ग अत्यधिक संन्यास ग्रहण किया। जैसे आशा माता ने सबको सब सुख समृद्धि यश तथा वैभव प्रदान किया, उसी प्रकार सबको मनोरथ पूर्ण करें। ये थी आशा माई दूज की कथा। इस कथा को उसी पीपल के पेड़ के नीचे ही कही जाती है। फिर वहाँ से सुहाग लेकर घर में जो हम आशा माई दूज के पास मटकी के पास सुहाग रखते हैं उससे सुहाग लिया जाता है। फिर अपने बड़ों के पैर छुएं, आशीर्वाद लें, फिर सबको पुए बांटें। ये थी आशा माई दूज की कथा और विधि। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे। जय हो आशा माई दूज की।